वीडियो है इसमें बढ़ेंगे आप सभी के सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन। तो इसमें टोटल हमें 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तब इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 9, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मीटर, बी डी सी डी इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इक्वल टू 8 मीटर, तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है कि हमें बोला गया कि एक ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो उसका हम फिगर बनाया सही से, देखो हमें आप ऐसे बोला गया है कि ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे जो एंगल सी है, ये इसको अगर एंगल हम सी मान लें, ये हमारा पॉइंट डी हो, तो एंगल सी कितना है? तो एंगल सी हमें बोला गया है कि 90 डिग्री है, इसलिए मैंने उसको 90 डिग्री बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ए बी बोला गया हमें 9 सेंटीमीटर, मान लो आपका ये ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और हमसे बोला गया कि जो हमारा बी डी है वो कितना है, तो बी डी हमारा है, ये बी डी है। तो इस टाइप में हमारा कुछ फिगर बनेगा। यहाँ पर हमें क्या कुछ दिया गया है, तो हमें दे रखा है कि ए बी जो हमारा है वो 9 है, ये हमें 9 मीटर दिया हुआ है, ए बी हमें 9 दिया है, बी सी हमें दिया है 12 मीटर, सी डी हमें दिया गया है 5 मीटर एंड ए डी हमें ए बी हमें दिया गया है 9 मीटर, ए डी हमें दिया गया है 8 मीटर। इस तरीके से कुछ हमें डाटा गिवन है, हमसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, तो हमें इन दो ट्रायंगल्स का ट्रायंगल जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वो किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, और इन दोनों का एरिया हम फाइंड करके इनको आपस में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जिसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें बी डी को फाइंड करना होगा। तो इन ट्रायंगल बी सी डी हमें क्या मिलेगा कि जो बी डी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, तो बी डी का स्क्वायर आपका इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी बी डी का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, तो बी सी यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, तो 144 प्लस 25 जो कि आपका होगा 169, यानी बी डी हमें क्या मिलेगा, तो रूट ओवर 169 जो कि होगा 13 मीटर। तो बी डी हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 13 मीटर। ठीक है, तो हमसे बोला गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें फाइंड करना है, तो मैंने आपको ही बताया है कि इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस को हम ले लेंगे सी डी और हाइट को लेंगे बी सी, तो हमें क्या मिलेगा, तो 1/2 5 इंटू 12 जो कि आपका आता है 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी जो कि आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखो यहाँ पे हमें तीन साइड्स पता हैं ए बी डी ट्रायंगल में, जो हमारा ट्रायंगल दिया है इस ट्रायंगल में हमें तीन साइड्स पता हैं कि ए बी 9 है, बी डी 13 है और ए डी 8 है। तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हेरोंस फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर, तो हम पहले एस फाइंड करते हैं, एस इक्वल्स टू में क्या होगा, तो ए 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 8 बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आएगा 13/2 जो कि होता है 15, तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 15, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी,
तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे कि रूट ओवर सेमी पेरीमीटर हमारा क्या है 15 है, तो 15 15 माइनस 13 15 माइनस 9 एंड 15 माइनस 8, तो हमें क्या मिलेगा इसका एरिया, देखो हमें एरिया क्या मिल जाएगा, तो 15 इंटू 2 इंटू में 6 इंटू में आपको क्या मिलेगा, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, ठीक है। तो हमें इसका एरिया कितना मिलेगा, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आएगा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, यानी अगर इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 6 इंटू में 5.916 आएगा, जो कि और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 35.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स थे, पहला ट्रायंगल का एरिया आ गया कितना 30 मीटर स्क्वायर, दूसरे का हमने एरिया फाइंड किया 35.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हम क्या करेंगे दोनों का सम, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, यानी 30 प्लस 35.5, तो हमें मिलता है ये आपका 65.5 मीटर स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है एंड ए डी 5 सेंटीमीटर है एंड ए सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो आपका मान लो ये रहा, ये आपका ए बी है, इसको मानते कि हमारा ये बी सी है, ठीक है। फिर हम इसको ए सी बनाएंगे, हम लोग ए सी ड्रॉ करेंगे, ये ए सी, देन ए डी हमारे पास है, ये हमारा ए डी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो बन के तैयार हो गया, ये ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया कि ए बी आपका 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, डी हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर एंड ए सी हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया, ठीक है। डी ए और ए सी दोनों हमें क्या दिए गए हैं, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको आप सही कर लेंगे, सी डी हमारा कितना है, तो सी डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, डी ए हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों का सम 25 होगा, जो कि 5 का स्क्वायर है। तो अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या मिल जाएगा, तो 1/2 बेस ए बी इंटू में हाइट बी सी, जो हमें मिलेगा 1/2, ए बी हमें क्या दिया है 3 और बी सी हमें दे रखा है 4, जो कि होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो आपके टीचर आपसे बोले कि शो करो, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हो, भाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का एरिया फाइंड करना है, जिसमें हमें दे रखा है कि ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर है, सी डी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड ए डी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो एरिया इसका फाइंड करने के सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर, क्योंकि एक स्केलन ट्रायंगल है, तो एस क्या होगा हमारा, तो 5 + 5 + 4/2 जो कि आएगा 7। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी हमारा हो जाएगा भाई हेरोंस फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जो कि हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा बाय हेरोंस फार्मूला 7 7 माइनस 5। अब देखो आप इसको अगर ए मानोगे तो ये ए है, इसको हम बी कह रहे हैं तो हमारा ये सी है, 7 माइनस 5 7 माइनस 5 अगेन एंड 7 माइनस 4। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी हमारा आ जाएगा 2 रूट 21। ठीक है, एंड जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 4.61 समथिंग आएगा अप्रॉक्स में, √21 की वैल्यू क्या होगी 4.61, जो कि आपका होता है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास दो ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का एरिया हमारे पास आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो क्या होगा इन दोनों का सम। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, तो पहला ट्रायंगल 6 प्लस दूसरा ट्रायंगल 9.2, दोनों के एरिया का सम जो कि होता है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, राधा ने इससे क्या बनाया, एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाया है जो कि वो फिगर में दिख रहा है। तो फाइंड अ टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, हमें बताना है कि कितना एरिया ऑफ पेपर इसमें यूज हुआ। देखो यहाँ पे आपको नंबर भी लिखा होगा, 1 नंबर दे रहा है, मतलब जो कि हमारा एक ट्रायंगल है, नंबर 5 एंड नंबर 6 4 जो है हमारे दोनों आपस में इक्वल हैं, जो भी एक ट्रायंगल है। नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा फिगर दिख रहा होगा, ये आपका एक रेक्टेंगल है, जो नीचे एक ट्रेपेजियम है, इन सबका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका इस हमें बताना है कि इस एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर का शीट यूज हुआ है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ वन फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या आपको दिख रहा है, जो कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसका एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरा भी क्या होगा, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, और ये हमें दे रखा है नीचे ये 1, कितना दिया हुआ है नीचे वाला इस पार्ट हमें, तो नीचे वाला पार्ट हमें दे रखा है 1 का, कितने का, तो ये जो हमें दे रखा है ये 1 है। ठीक है, ये पार्ट हमें 1 दे रखा है। तो एरिया ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या आएगा, तो जो कि हमारा एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स है 5 5 और 1, तो पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर, जो कि आपका आता है एस इक्वल टू में, पहले इसका एरिया फाइंड करने के लिए एस हमें फाइंड करना होगा, जो कि होगा 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, जो कि आपका आएगा 5.5। ठीक है, देन हमें निकालना होगा इसका एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हमें क्या मिलेगा, तो रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर 5.5 5.5 माइनस 5 5.5 माइनस 5 एंड 5.5 माइनस 1, जो कि आपको मिलेगा रूट ओवर 5.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 4.5। एंड जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 0.5 के दो पेयर बने हैं, तो ये हमारे बाहर आ गए 0.5, और जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.5 इंटू में 4.5, जो कि हमें क्या मिल जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमें अप्रॉक्स में मिलेगा 0.75 इंटू में √11, यानी जो कि होता है 0.75 इंटू में 3.3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्स में होगा। तो अभी किसका एरिया हमने निकाला, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देन हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट,
एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, जो कि आपका एक रेक्टेंगल है, जो कि आपका एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो लेंथ 6.5 इंटू में विथ 1, तो होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पार्ट के एरिया फाइंड हो गए। देन हम निकालेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या हमारा, देख ट्रेपेजियम दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ठीक है, हमें हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ऐसा कुछ, एक ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम है ना, जिसका लेंथ हमें दे रखा है 2, ये दे रखा है 1, इधर भी दे रखा है 1 1 का, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम फाइंड करके थर्ड पार्ट का एरिया इजीली निकाल पाएंगे। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये 1 का है, तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, एक 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 1 का था, हमने इसको भी 1 ड्रॉ किया, तो ये भी आपका 1 होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिंपली इस वाले के पैडल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब ये आपका एक पैडलोग्राम बनेगा, ये 1 का है, ये 1 का है, ये भी 1 का, तो ये भी 1 का होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब अगर इसका हम हाइट ड्रॉ कर लें, तो इसका जो हाइट होगा क्या होगा, √3/2 इंटू में साइड, तो क्या होगा, तो √3/2 इंटू में 1, तो इसका हाइट क्या आ गया, √3/2। तो ये किसका हाइट है, ये हाइट है आपका ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड जो हमारा फिगर है वो क्या है, ट्रेपेजियम है, तो ये होगा 1/2, अगर इसको मैं मिटा लेता हूँ, आप समझ गए होंगे, वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 1+2 इंटू में हाइट, मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया, √3/2, तो हमें क्या मिल गया, तो हमें मिलेगा 3 इंटू में √3/4। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें पॉइंट में, अप्रॉक्स में अगर सिंप्लीफाई किया जाए, तो हमें इसका एरिया क्या मिलता है, 3 इंटू में 1.732/4, जो कि सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी अप्रॉक्स में फाइंड किए जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ थर्ड फिगर आ गया, जो कि एक ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर आ गया, जो कि हमारा ट्रायंगल था, आइसोसेलस ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड फिगर हमने निकाला, जो कि हमारा क्या था, एक रेक्टेंगल था। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, जो कि दोनों दोनों क्या है, दोनों दोनों एक हमारे सेम एक जैसे दिखने वाले ट्रायंगल हैं। ठीक है, जो कैसा है, तो आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ फोर्थ फिगर हमारा कैसा, इस टाइप का है, एक हमारा हमें दे रखा है, इसका बेस 6 और हाइट दे रखा है 1.5, यहाँ भी सेम है, बेस हमारा 6 है और हाइट कितना है, 1.5 है। तो दोनों दोनों एक सेम एक जैसे दिखने वाले ट्रायंगल हैं, तो एरिया ऑफ फोर एंड फिफ्थ पार्ट क्या होगा, 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, जिसका बेस है 6 और हाइट है 1.5, जो कि हो जाएगा, जब दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमसे क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ एरोप्लेन, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया जो हमारा निकल के आएगा, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट एंड प्लस फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट में हमारा क्या था, 2.5, सेकेंड में हमें क्या मिला था, 6.5, थर्ड में मिला था 1.3, फोर्थ में और फिफ्थ दोनों कम्बाइन अब कितने थे, 9। तो जो हमारा टोटल एरिया आया, ये 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार दोबारा इसको चाहो तो देख सकते हो कैसे मैंने सॉल्व किया है वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 4th हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर दिस एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस दिस, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हमसे बोला गया, हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो कुछ ऐसा है और एक ट्रायंगल है, दोनों का एरिया सेम है, तो हमें बताना है कि पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा, पैरेललोग्राम का हाइट क्या रहा होगा। तो पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लें, जिसका साइड हमें दे रखा है, मान लो ए क्या दिया, 26, बी हमें दे रखा है 28 और सी हमें दे रखा है
30। तो पहले हम फाइंड करते हैं इसका एरिया, तो इसके लिए पहले हमें एस निकालना होगा, पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें एस फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम एस निकालते हैं, जो कि हमारा आएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2, जो कि क्या हो जाएगा, तो आपका होगा 42 सेंटीमीटर, आपका आ गया सेमी पैरीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे, जो कि होगा रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर 42 था, तो 42 इंटू में 42 माइनस 26 देन 42 माइनस 28 देन 42 माइनस 30। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 इंटू में कितना मिलेगा आपको, 16 इंटू में 14 इंटू में अगेन आपको क्या मिलेगा, तो 12। ठीक है, तो देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 42 इंटू में 4 इंटू में 4 2 इंटू में 7 2 इंटू में 6। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जो हमारे पास ये 42 है, इसको भी हम क्या नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं 6 इंटू में 7। ठीक है, तो अब देखो ये सभी नंबर्स के दो दो पेयर बनने शुरू हो गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक बार 6, एक बार 7, एक बार 4 एंड एक बार 2। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना आ गया, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या बोला गया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो बेस इंटू में हाइट, जो कि हमें दे रखा है 336, और बेस हमें क्या बोला गया पैरेललोग्राम का, कि 28। तो यानी 28 इंटू में हाइट हमें दे रखा है 336, तो हाइट क्या होगा, 336 बाई 28। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या मिल गया, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें दिया है कि रूम्बस सेप्ड ग्रास फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज, इफ़ ईच साइड ऑफ द रूम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 48 सेंटीमीटर, तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है, तो पहले समय देखो कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले समय बनाना होगा रूम्बस। तो रूम्बस आपका कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, ये हमारा रूम्बस है, मान लो आपका ए बी सी डी एक रूम्बस। अब इसमें 18 काउ को ग्रेज करना है, जिसके साइड हमें दिए गए हैं 30 सेंटीमीटर, इसका हर एक साइड कितना लंबा है, तो 30 मीटर लंबा है, हर एक साइड हमारा 30 मीटर लंबा है। एंड हमें बोला गया कि इसका लॉन्गर डायगनल कितना है, 48 का है, लॉन्गर डायगनल कितना है, 48 मीटर का है। तो हमें बताना है कि हर एक गाय हर एक काऊ के लिए कितना एरिया मिलेगा ग्रेज करने के लिए। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल हमारा, अब ध्यान से देखते हो तो आपके पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, तो हमारा ट्रायंगल ए डी सी है। यानी अगर हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है तो हम क्या करें, किसी भी एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी या फिर ट्रायंगल ए डी सी का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। भाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 30 प्लस 30 प्लस 48 बाई 2, जो कि हुआ कितना, तो 108 बाई 2, तो हमें क्या मिल गया, 54 आ गया हमारा 8 सेमी पेरीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या मिल जाएगा, तो रूट ओवर एस एस माइनस ए, जो कि हमारा फार्मूला है, एरोंस फार्मूला, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
ए बी सी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइड को ए बी और सी बोल सकते हो। तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, अगेन 54 माइनस 30। तो हमें क्या मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करने पे कि 54 इंटू में 6 इंटू में 14 इंटू में 14। तो अगेन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 54 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 14 इंटू में 14, जो कि हमारा एरिया आ जाएगा 3 इंटू में 6 इंटू में 14। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना मिल गया हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें मिल गया 432 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा 2 इंटू में 432, 2 इंटू में 432 जो हमको क्या मिलेगा 864 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मच एरिया डज इच काउ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ग्रास फॉर वन काउ हमें क्या मिल जाएगा, तो 864 बाई 18 जो कि होता है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ 10 स्टिचिंग क्या हमें रखा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगल्स पीसेस ऑफ क्लॉथ फॉर टू डिफरेंट कलर्स ईच पीस मेजरिंग 20 50 एंड 50 सेंटीमीटर हाउ मच क्लॉथ डज ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। हमसे पूछा कि हर एक कलर का कितना क्लॉथ हमें चाहिए अम्ब्रेला को बनाने के लिए। ठीक है, देखो सिंपली हमें क्या करना है कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो इस शेप का है जो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर के साइड्स हैं और ऐसे टोटल 10 ट्रायंगल हैं जो टू डिफरेंट कलर में हैं। तो हमसे पूछा गया कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ठीक है, तो पहले तो हमें ए दे रखा है कितना 50, बी भी हमें दे रखा है 50 और सी हमें दे रखा है 20। पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा जिसके लिए हमें निकालना है सेमी पैरामीटर, यानी एस क्या होगा हमारा 50 + 50 + 20/2 जो कि हो जाएगा 60। यह आ गया हमारा सेमी पैरामीटर। तो हम क्या फाइंड कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि होगा रूट 60 माइनस 50 इंटू में 60 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 60 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 2 इन 20 सॉरी इंटू में 40 क्या होगा इंटू में, ये हमारा होगा इंटू में 40। तो अगेन हमारा क्या मिल जाएगा हमें एरिया, तो 10 इंटू में रूट 24 जो कि होगा आपका कितना, जब आप इसको ओपन करते हो तो हमें क्या मिलेगा इसका एरिया, तो अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा एरिया इसका 100 इंटू में 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 क्योंकि आपको मिलेगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, यानी कि एक ट्रायंगल जो हमारा है उसका एरिया आ गया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या बोला गया है कि हर टाइप के ऐसे 5 ट्रायंगल हैं, टोटल 10 हैं, तो हर टाइप के क्या हैं अपने पास 5 ट्रायंगल हैं, तो एरिया ऑफ इस टाइप ऑफ ट्रायंगल हमें क्या मिल जाएगा, तो 5 × 20√6 यानी कि 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के हर टाइप के जो ट्रायंगल हैं, जो हमारे दो कलर के ट्रायंगल हैं, मान लो आपका ब्लैक और वाइट, तो हर टाइप का एरिया हमें कितना चाहिए 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैक कलर का और 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर दूसरे कलर का। फर्स्ट वाले का भी इतना चाहिए, सेकंड वाले का भी हमें इतना ही एरिया चाहिए।
ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैं दे रखा है अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ थ्री डिफरेंट साइड्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड हैज़ बीन यूज इन, देखो तीन साइड हमारे पास दिए, मतलब थ्री डिफरेंट कलर्स हैं, ये फर्स्ट कलर है, ये सेकेंड कलर है और ये हमारा थर्ड कलर है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक काइट है जो शेप ऑफ इसको जो उसका स्क्वायर और नीचे एक हमारे क्या लगा वहाँ पे, तो यहाँ पे एक आइसोसेलस ट्रायंगल लगा है, हमें इन इस बताना है कि ईच साइड का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ हमें बताना है कि एरिया ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर ऑफ साइड वन, साइड वन जो कि हमारा पहला है उसका एरिया कितना होगा, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। उसका एरिया कितना होगा देखो, आपको अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो आपका सेड वन है ये एक ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है, और स्क्वायर का डायगनल हमें दे रखा है 32, ये डायगनल है आपका 32 और ये भी कितना होगा 32, क्योंकि डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, तो 1/2 हमें क्या करना है, तो हमें एरिया ऑफ, हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक डायगनल आपका कितना है, ये 32 का है, और डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आप लिख सकते हो कि डायगनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर आर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये भी हमारा 32 का है, तो हाफ 16 इधर हो जाएगा और 16 इधर हो जाएगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बना है जो कि एक जिसका बेस 32 है और हाइट कितना है 16 है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2 बेस 32 इंटू में हाइट 16 जो कि आपका आएगा कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया सेड वन का एरिया। देन हमारे पास है एरिया ऑफ सेड टू, तो ये भी हमारा एक ट्रायंगल है सेम स्क्वायर का है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर को जो डायगनल होता है, डायगनल ऑफ स्क्वायर वो स्क्वायर को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ पेपर ऑफ सेड टू, पेपर ऑफ सेड टू भी कितना होगा, अ सेड इट सेकेंड वो भी कितना होगा, ये भी आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो सेट थ्री है ये हमारा एक आइसोसेलस ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या है, हमारा एक आइसोसेलस ट्रायंगल बना हुआ है जिसके साइड्स दिए गए हैं 8, 6 एंड 6। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे हेरोंस फार्मूला, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एस जो कि है सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू जो कि होगा 8 + 6 + 6/2 जो कि आपका आएगा 22/2 जो कि होगा 11, कितना आ गया 11 आ गया, सॉरी ये होगा आपका 20 होगा, कितना होगा तो 20/2 जो कि होगा आपका 20, ये क्या हो जाएगा, तो आपका सेमी पेरीमीटर 10 आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया 10। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है एरिया, तो एरिया ऑफ साइड थ्री, एरिया ऑफ साइड थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सिंपली कितना मिल जाएगा 10, 10 - 8, 10 - 6 एंड 10 - 6। आप मान लेना कि ये आपका ये बी था, ये ए था, ये सी था, ठीक है, तो हमें कितना मिल गया 10 × 2 × 4 × 4, हमारे पास एरिया कितना आ गया। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा सिंप्लीफाई करने पे 8√5 जो कि अप्रॉक्स में होता है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.32 के आसपास, आप इसको कंफर्म करके चेक कर लेना ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आपका ये थर्ड एरिया कितना आ गया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर एट में हमें दिया है कि अ फ्लावर डिजाइन ऑफ ऑन द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रैंगुलर, द साइड्स ऑफ ट्रैंगल्स बीन 9, 28 एंड 35, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर। तो टोटल
टोटल टाइल्स कितने लगे हैं, 16 ट्रायंगल्स से मिलकर ये टाइल्स का हमारा शेप बना हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल का, जो हमारा ये एक ट्रायंगल है, इसका पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लें, और उसी को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 16 टाइल्स का एरिया हमारे पास आ जाएगा। और देन हमें कॉस्ट निकालने के लिए उसको क्या करना होगा, 50 पैसे पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना होगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट हमारे पास ए क्या है, एक साइड ट्रायंगल का है 9, बी क्या है हमारे पास 28 है, और सी क्या है हमारे पास 35 है। मान लो आपको कुछ एक ऐसा इस शेप का टाइल्स बना हुआ है 9, 28 एंड 35। हमें इसका एरिया निकालना है, तो पहले हमें फाइंड करना होगा सेमी पैरामीटर, क्या कैलकुलेट करना होगा, सेमी पैरामीटर जो कि होगा एस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जो कि आपका क्या होगा 9 + 28 + 35/2। अब आप इसको ऐड कर लो, ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो हमारा सेमी पैरामीटर क्या आ जा रहा है, तो हमारा सेमी पैरामीटर आपका आ रहा है कितना, इनको जब आप ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तो मिलने वाला है हमें कितना, 78। 78/2 क्या होता है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर हमारा आ गया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, तो इसके लिए फार्मूला सेम, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो हमें क्या मिलने वाला है, रूट ओवर 36 - 9, 36 - 28, 36 - 35, जो कि हमें क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 36 इंटू में 27 इंटू में 8 इंटू में 1, तो इसको आप अगर फैक्टराइज करते हो तो मिलेगा 6 - 6, 9 - 3, 4 - 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे, देखो तो हमारे पास 2 6 हैं, एक 6 हमारा बाहर आ गया, यहाँ से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये 9 हमारा बाहर आ जाएगा 3 के फॉर्म में, हमारा बचेगा रूट में 6, रूट में क्या बचेगा हमारे पास 6। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया आ गया 36√6 cm² एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स हम निकाल लें, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 16 × 36√6, जो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 576√6 cm². हमसे पूछा गया कॉस्ट, कितना पूछा गया कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है, हो जाएगा, तो ये 576√6 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया 50 पैसे, और आप 50 पैसे को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो ये होता है 0.50 रुपीज़, ठीक है। इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो हमारा फाइनल आंसर मिलने वाला है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ₹288 × √6, जब √6 की वैल्यू आप पुट कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 705.60, इतना पैसा आपका आने वाला है। √6 को आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। द नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें दिया है, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 28, 10 एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13, टू फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। देखो पहले तो हमें एक ट्रेपेजियम में ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस शेप का हमारे पास एक फील्ड दिया गया है, जिसके पैरेलल साइड्स दे रखे हैं हमें 25, ये हमें दे रखा है 10, ये हमें दे रखा है नॉन पैरेलल साइड्स 14 एंड हमें दे रखा है दूसरा 13। तो हमसे इसका एरिया पूछा गया कि एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा। जब भी आपको ऐसा ट्रेपेजियम दिया जाए जिसके सिर्फ हमें साइड्स पता हों और हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अगर इसका हम नाम मेंशन कर दें तो ये हमारा ए बी है, सी डी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सिंपली होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो हमें हाइट पता करना होगा, हाइट हम कैसे पता करेंगे, तो हाइट पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले, कि हम ड्रॉ करने वाले, ड्रॉ अ लाइन लाइन पैरेलल टू बी सी, तो हम एक बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो दोनों क्या बन जाएंगे, इसका अगर नाम हम ई लिख दें तो डी ई बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम, डी ई बी सी इज़ अ
पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर डी ई हमें क्या मिल जाएगा, तो डी ई आपका बी सी के इक्वल होगा जो कि हो जाएगा 13। तो यहाँ पे क्या आ गया 13। अब ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 15, ये क्या मिल गया 15। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई हमारे पास एक साइड ए है 15 का मान लो, बी आपका एक साइड है 13 का और सी आपका एक साइड है 14 का। तो हम किसी तरह इस ट्रायंगल ए डी ई का अगर एरिया फाइंड कर लें, हम इसका हाइट निकाल सकते हैं, और जो ट्रायंगल का हाइट होगा वही किसका हाइट होगा, वही आपका हाइट बन जाएगा ट्रेपेजियम का। ये वाला हाइट अगर हम फाइंड कर लें तो हाइट किसका होगा, ट्रेपेजियम का भी होगा। तो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, हमें पहले एस निकालना होगा जो कि होगा 15 प्लस 13 प्लस 14 बाई 2 जो कि आ गया 21 मीटर। अब इसका हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो इसका हम एरिया निकालें तो रूट ओवर 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 13। तो इसका एरिया क्या आएगा, रूट ओवर 21 इंटू में 6 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 8। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 7 इंटू में 3, 2 इंटू में 3, 7 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। देखो 7 का भी पेयर बना है, 3 का भी पेयर बना है और 2 के भी पेयर बने हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 जो कि हमें मिलेगा 84 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया हमारा 84 मीटर स्क्वायर। अब हम चाहें तो इसका हाइट भी पता कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला एक और हमारे पास होता है कि 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो हमें एरिया दे रखा है 84, हम बेस अगर मान लें कि बेस हमारा क्या है 15 हमारा बेस है, तो 1/2 15 इंटू में हाइट एच 84 होगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 84 इंटू में 2/15, तो एच हमारा क्या होगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो एच आपको मिल जाएगा 56/5, 56/5 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब हम फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो कि होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 25 इंटू में 25 प्लस प्लस 10 इंटू में हाइट 56/5 जो कि आपका हो जाएगा ये 2 से 28 टाइम्स में, ये हो गया 28 इंटू में 35/5, 5 से 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो, 7 एट जा 56, 7 टू जा 14 हो गई 196 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया आपका। तो ये आपके एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको अदर भी सब चैप्टर्स के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। थैंक यू।